अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब भी ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बहुत ठीक हूँ। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक बॉक्स सिखाऊंगी जिसका नाम है स्पिंडल बॉक्स। ठीक है, ये बच्चों के लिए, बच्चों की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे काउंटिंग आ जाएगी के बच्चों को 0 से 9 तक। ठीक है, इसके लिए मैंने चीज़ें ली हैं, पेंसिल, ब्रश, 2 पेंट्स लिए हैं, ब्लैक एंड रेड, सीज़र, और ये स्टिक्स ली हैं, बारबेक्यू स्टिक्स। सो मैंने पहले इंच टेप लिया है और इंच टेप से मैं 1 से लेकर 3 तक इसको निशान लगाऊंगी, पेंसिल से इसे निशान लगाऊंगी। आप कोई भी कलर ले सकते हैं निशान लगाने के लिए, कि कोई डार्क कलर हो जिससे पता चल जाए कि कहाँ निशान लगा हुआ है। ठीक है, इसकी 3 स्ट्रिप्स निकलेंगी। मैंने सीज़र ली है, ये मैं सीज़र से इसे जहाँ से निशान लगा हुआ है वहीं से कट करूँगी। जी तो ये यहाँ से कट हो जाएगी, बस हल्का सा इसको पुश करना है तो ये खुद ही कट हो जाएगी और थोड़ी सी टूट जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मैं ये जो सारी बारबेक्यू स्टिक्स हैं इसके हम 3 हिस्से कर लेंगे, 3 पार्ट्स हो जाएंगे। और इसकी जगह आप टूथ स्टिक्स जो होती हैं वो भी ले सकते हैं। ठीक है, मेरे पास बारबेक्यू स्टिक्स अवेलेबल थी तो मैंने यही ले ली। सो ये मैं सारे इस तरह ही मैंने सारे काट दी हैं। ठीक है, ये टोटल 45 हैं और मैंने एक बॉक्स लिया है, इंच टेप से मैं ये निशान लगाऊंगी और इस तरह मैं दूसरी तरफ भी ऐसे ही निशान लगाऊंगी और मैं इसको बीच में से कट कर दूंगी। ठीक है, इसको मैं बीच में से चारों साइड से कट कर दूंगी। पहले मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूंगी, लाइन ड्रॉ करके ज़्यादा आसानी हो जाएगी और पता चल जाएगा कि कहाँ से कट करनी है मुझे। एंड देन ये देखें, मैं यहाँ से कट कर दूँगी अब इसको। ये मैंने कट कर दिए हैं और मैंने ये गत्तों की स्ट्रिप्स बना दी हैं और एक वाइट कंप्यूटर पेपर लिया है मैंने और साथ में पेंट लिया है, ब्रश है। पेंट मैंने एक प्लेट में डाल लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया है और मैं इसके ऊपर पूरा पेंट कर दूँगी, ब्राउन कलर का। आई थिंक ये ब्राउन, या इट्स नॉट रेड, सॉरी इट्स अ ब्राउन। ठीक है, मैं पूरा इस पर पेंट कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। ठीक है, ये देखें मैंने पूरी पेंट कर ली है, मैंने कंप्यूटर पेपर्स की स्ट्रिप्स काटी हैं और उनको उनसे पेस्ट कर लिया है। ऊपर मैंने ब्लैक कलर के कंप्यूटर पेपर लगा दिए हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में इसलिए। सो ये मैंने काउंटिंग लिखी है वाइट कंप्यूटर पेपर लेके और ये मैंने ब्रॉड मार्कर से मैंने लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से शुरू करना है, 9 पर ख़त्म करना है, क्योंकि आपके बच्चों के लिए 0 से 9 तक, ये 2 to 3 ईयर्स के जो बच्चे हैं जिनको काउंटिंग बिल्कुल नहीं आती, तो ये 0 से लेकर 9 तक सीख जाएंगे काउंटिंग आराम से। अब मैं 1 में से 1 स्टिक डालूंगी, 2 में मैं 2 स्टिक्स डालूंगी। ठीक है, इस तरह मैं 3 स्टिक्स निकाली मैंने एंड 3 में मैं 3 डालूंगी। और आप अपने बच्चों को साथ खड़े करें और वो बताएगा कि ये 2 है तो इसमें 2 डलेंगी, ये 3 है तो ये इसमें 3 डलेंगी,
इस तरह उनको काउंटिंग वगैरह भी आ जाएगी और मूविंग एक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी इनकी। ये देखिए 5, एक में मैं 5 डालूँगी। और फिर जब ये बच्चा बार बार काउंट करेगा तो काउंटिंग इसे अच्छी तरह याद हो जाएगी, और वो किसी भी स्कूल में टेस्ट वगैरह देने जाएगा तो टेस्ट भी क्लियर कर लेगा आराम से, क्योंकि उसे काउंटिंग आती होगी। ये मैं काउंट करूँगी इसे, पहले मैं इसे नीचे भी काउंट करूँगी और फिर इसे काउंट करके डालूँगी। ये देखिए ये 7 में 7 आ गई, 6 में 6 आ गई। अब मैं 8 काउंट करूँगी और फिर उसमें 8 काटूँगी, 8 डालूंगी। ठीक है, 2 स्ट्रिक्स होती हैं, वो भी ले सकते हैं आप, पर मेरे पास तो यही थी तो मैंने इसी को कट कर लिया। ये भी बेटर है। आपने बस एक एक्टिविटी करवानी है अपने बच्चों को, तो मैं ये डाल दूँगी 8 इसमें, और 9th में मैं 9 डाल दूँगी। और जो यहाँ पर 0 है, 0 मतलब नथिंग, 0 मीन्स नथिंग, तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं डालूँगी। तो ये फिनिश हो चुका है। आप लोग इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, काउंटिंग आ जाएगी इससे बच्चे को। उम्मीद है कि आप लोग को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।